नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी जेई नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। तो आज हम मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो ले आए हैं, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास, रिलेटिव आयोनिक मास, उसके बाद बात करेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास एंड एब्सोल्यूट आयोनिक मास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो जाते हैं। और लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं, अगर 1 AMU की डेफिनेशन को अगर आप चेंज कर दोगे, मेरी बातों को गौर कीजिएगा बच्चों, अगर 1 AMU की डेफिनेशन को आप चेंज कर दोगे तो उसके लिए फिर भाई RAM की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर अगर कोई भी, अगर मान लो कोई भी एक एटम है जिसके लिए 1 AMU की डेफिनेशन चेंज हो गई, 1 AMU की डेफिनेशन चेंज हो गई, तो बताओ भाई उस एटम के लिए, फिर उस एटम के लिए जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या हो जाएगा, नया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। और ये वाला कंसेप्ट पर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा, जिस जोश में आप मेरे साथ अभी बने हुए हैं वो जोश अगर लास्ट तक बना रहा तो आप जेई और नीट का एग्ज़ाम तो क्रैक करके ले जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई जिस जोश में अभी बने हुए हो ना, और वही जोश लास्ट तक रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी से होगी, है ना, डेली यही होगा, पढ़ाई अच्छे से होगी, और पढ़ाई अच्छे से होगी तो कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बात करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAM भी दिखाते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM से भी बच्चों लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं। अब समझो, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर वही एटम बोले तो किसी भी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है। ठीक है, उससे पहले आपको बताने के लिए मैं एक बहुत ही सुनहरा चीज़ आपसे करना चाहूँगा बात, वो है अगर हम कार्बन को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, कार्बन को अगर लिखना चाहे इस तरह से लिखेंगे 12 and 6, ऊपर में जो है ये क्या है, यही ऊपर में जो है ना, यही है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या ऊपर में जो लिखा रहता है बच्चों, यही रहता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का। तो अगर कार्बन में अगर बात करें तो हम ये देखो, ये कार्बन है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 12 जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है भाई, ये मास नंबर है, ये कार्बन का मास नंबर है। इसी को आगे चलकर रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, वो आगे अभी आगे बढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ये 6 नीचे में इसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो भाई एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना भूल गया कि ये जो लेक्चर अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये लेक्चर कल ही शूट हो चुकी थी, लेकिन इतना बार लाइट कटा, उसमें इतना बार दिक्कत आया मेरे को, मतलब लगभग 1 घंटा का वीडियो था पिछला वीडियो, जो यही वीडियो था जो मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ, लाइट बहुत बार कट गई, बहुत बार लाइट कट गई, 10-15 बार लाइट कट गई, जिसके वजह से वीडियो भाई कचड़ा हो गया। इसके वजह से मैं दोबारा इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम टीचर लोगों का अस्तित्व किसके वजह से है, स्टूडेंट की वजह से है। अगर आप ही खुश नहीं रहोगे तो भाई हम लोगों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए बच्चा खुश तो टीचर खुश, इसीलिए आप लोग के लिए हम ये वीडियो रीशूट कर रहे हैं, ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ सारी बातों को। पिछला वीडियो डालते तो भी बढ़िया से समझ नहीं आता, लाइट कट जाता, फिर से रीस्टार्ट करते, फ्लो टूट जाता है, अभी भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन क्या भाई, गाँव में क्या करें भाई, बहुत दिक्कत है, कैसे कैसे करके वीडियो, अभी भी हमको कोई ठीक नहीं है, लाइट कट जाए, इतना पैसा नहीं हम लोग के पास कि हम लोग जो है इन्वर्टर खरीद ले, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, पैसा वगैरह जमा करके इन्वर्टर ज़रूर खरीदेंगे, तब लाइट का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर में मास नंबर लिखा गया और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 12
को हम अगर 12 ग्राम लिख दे तो हम क्या कहेंगे कि सर अभी हमने ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया, क्या GAM लिख दिया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अगर मास नंबर को ग्राम में लिख डाले तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के अंदर आपको कितने कार्बन पाए जाएंगे तो Na एटम्स ऑफ कार्बन पाए जाएंगे, Na एटम्स ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसी को हम टेढ़ा करके लिख दें, हम क्या कह सकते हैं Na एटम्स हैज मास 12 ग्राम। कहीं नहीं लिखेंगे, वही बात को तो मैं उल्टा कर दिया। अरे भाइयों मेरी बातों को ध्यान से देखें, 12 ग्राम कार्बन के एटम में Na एटम कार्बन का मिलता है, 12 ग्राम में Na एटम्स, यानी Na एटम्स बोले तो 6.023 इंटू 10^23 एटम्स, ठीक है। यानी 12 ग्राम अगर कार्बन है तो उसके अंदर Na एटम्स मिलेंगे कार्बन के, यानी 6.023 इंटू 10^23 एटम्स किसमें, 12 ग्राम में मिलेंगे इतने सारे एटम्स। तो मैं क्या कहूँगा, अगर Na एटम्स में अगर बात करो तो Na एटम्स का मास कितना होगा, यानी Na एटम्स बोले तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 6.023 इंटू 10^23 एटम का कितना मास होगा, इसी को तो हम Na बोलते हैं, इसी वैल्यू को Na बोलते हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं। तो 6.023 इंटू 10^23 एटम का कितना मास होगा भाइयों, बताओ 12 ग्राम होगा। बहुत बढ़िया, तो ये 6.023 इंटू 10^23 एटम का, ठीक है भाइयों। फिर से लाइट कट गई थी क्या, अब फिर से नौटंकी स्टार्ट कर दिया, लेकिन भगवान से दुआ करते हैं भगवान इस बार लाइन ना कटे। तो मैं क्या बोला, Na मतलब 6.023 इंटू 10^23 को ही Na एटम्स बोल देते हैं। तो इतना एटम का मास इतना है, तो मैं कहूँगा अगर मैं आपको कहना चाहूँ इतना एटम में इतना मास है तो एक एटम का मास कितना होगा, एक वन एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन के एटम का मास कितना होगा भाई, बहुत सिंपल है, क्या लिखूंगा 12/Na ग्राम, एक कार्बन के एटम का मास इतना हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, अरे भाई 6.023 इंटू 10^23 एटम का मास 12 ग्राम, तो कार्बन के एक एटम का कितना मास 12/Na ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं नहीं भाई मेरे को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, मैं आपको अगर कहूंगा ये रहा कार्बन का ये एटम, ये कार्बन का एटम, इस कार्बन के एटम को 12 भाग कर लो, ये एक दो भाग हो गया, ये चार भाग हो गया, ये छः भाग हो गया, ये आठ भाग हो गया, ये दस भाग हो गया, इसका एक और भाग कर लो, ये 12 भाग हो गए। अब ये कार्बन का एटम को मैंने 12 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो यहाँ से इसका एक टुकड़ा आप पकड़ लो, यहाँ से इसका आप एक टुकड़ा पकड़ लो, यहाँ से आप इसका एक टुकड़ा पकड़ लोगे तो इसका वजन कितना होगा 1/12 होगा, यानी इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इस एटम में 1/12 होगा। तो वही कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं भाई आप एक एटम का मास नहीं बताओ, आप कार्बन के एक कार्बन के 12वां भाग का जो है मास बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी एक कार्बन के एटम का 12वां भाग का मास कितना होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1/12 किए हैं, 1/12 कर दो, और ये एक एटम का मास तो इतना है, ये लिख दो इनटू में 12/Na ग्राम, यही होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, 12 से 12 चल जाएगा भुइयां के खेत में, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम इजकल टू क्या हो जाएगा भाई 1/Na ग्राम, और इसी को हम कैलकुलेट करेंगे आगे। देखिए तो सर यहाँ पे दिख रहा है नीचे, इससे नीचे लिखूँगा तो दिखाई दे देगा, थोड़ा सा दिखाई दे देगा, तो मैं इसी को इधर कर लेता हूँ, इसीलिए अगर आप इसको कट करोगे Na की वैल्यू कितनी होती है, Na के वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10^23, और इसको कट करोगे भाई तो वो वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम,
इस वैल्यू को आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो इसी वैल्यू को मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे इसी वैल्यू को मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखो 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम, ये इसी को हम बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सुनो भाई, इसी को हम 1 AMU भी बोल देते हैं, ठीक है, या 1 AMU बोलो या 1U बोल लो, बात सेम ही है भाई। क्या है ये पूरा बात, क्या है ये पूरा बात, सेम ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। आप याद करो, ये जो वैल्यू आ रहा था, ये जो वैल्यू ऊपर में दिख रही है, ये क्या था? ये मास ऑफ वन प्रोटॉन का मास था, याद है आपको? एक प्रोटॉन का मास भी 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम ही था। और एक और बात मैं बता दूं, मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के भी इक्वल होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है वह कितना होता है? 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम ही होता है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के अंदर ना तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बच क्या गया? बच क्या गया बच्चों? बच गया हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक ही है हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन का भी मास कितना होगा? हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होगा? इतना ही होगा, 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे सिस्टर्स, सभी को बातें समझ में आ गई? तो अगर समझ में आ गई, इतना बात नोट कर लो और इस वैल्यू को आप याद कर लो, 1 AMU इजकल टू होता है 1.67 इंटू 10^-24, इसी को 1 AMU या इसी को 1U भी बोलते हैं या इसी को 1DA भी बोलते हैं, डाल्टन, 1DA बोले तो 1 डाल्टन, ठीक है, सारा वैल्यू इक्वल होता है। टेंशन वाली कोई बात, ऐसी बात यहाँ पर आपको जो समझ नहीं आई हो, अरे समझने वाला क्या था इसमें, तो बहुत ही एकदम इजी चीज़ था यार, ठीक है। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसका निदान कर दूंगा। इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो, चलो लिख लिए हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इतना चीज समझ में आ गया ना, ये वैल्यू याद रखना, 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम। अब देखो कितने हंसते हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कितने बेहतरीन अंदाज में समझ लेते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और मज़ा भी आ जाएगा, बहुत अच्छे से फील करवाऊंगा यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इतना मज़ा आ जाएगा, फिर आपको इससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आया होगा, देखना ना, फील करवा दूंगा, फील। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है और ये चैप्टर समझ में भी नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों नहीं आता ये चैप्टर समझ, ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, बाकी का जो चैप्टर है वो तो थोड़ा है भी, लेकिन ये तो चैप्टर बहुत ईजी है, ये तो बेसिक चैप्टर है, फिर भी अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आप बात नहीं समझ पाए होंगे, फील नहीं कर पाए होंगे। तो देखो अब समझाता हूँ, अभी मैंने अच्छा वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, ये तो एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के बारे में ही बात होगी, एंड डिवाइडेड बाय 1 AMU। अब 1 AMU नीचे क्यों लिखे, पहले तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है आपका, इसी फार्मूला से हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे किसी भी एटम का, ठीक है। अरे भाई वेट कर लो, अभी देखो मैं 3 कंडीशन लेता हूँ, सपोज हमारे क्लासरूम में, मान के चलो मैंने एक केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे का नाम लूँगा मैं केमिस्ट्री का टेस्ट लेता हूँ जिसमें हमारा एक स्टूडेंट था रामलाल, क्या नाम था? रामलाल। दूसरा एक स्टूडेंट था उसका नाम था राम भरोस, क्या नाम था? राम भरोस। तीसरा एक स्टूडेंट था उसका नाम था राम शक्कल। चौथा एक स्टूडेंट थी उसका नाम था पिंकी, और पांचवा जो स्टूडेंट था उसका नाम था टिल्लू। अब समझो इसको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, रामलाल को मार्क्स आए 20, ओ भैया। उसके बाद राम भरोस को मार्क्स आए 40, राम शक्कल को मार्क्स आए 60,
पिंकी का मार्क्स आया 80 और टिंडू को 100 में 100 आ गया। ओ भाई अब समझो मेरी बातों को समझो, एकदम फील करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यह है रामलाल, यह है राम भरोस, यह है राम सक्कल, यह है पिंकी, यह है टिल्लू। अब देखो मजा कैसे आएगा। मैंने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, रामलाल को 20 नंबर आया 100 में, आउट ऑफ 100 बात कर रहा हूँ। राम भरोस को 40 मार्क्स आए, राम सक्कल को 60 मार्क्स आए, पिंकी को 80 मार्क्स आया और टिल्लू को 100 में 100 आ गया। अब समझो मैंने क्या किया, क्लास में गया, और भी सारे बच्चे थे लेकिन सारे बच्चे का नाम थोड़ी लिखूंगा। मैं क्लास में गया, सबको जो कॉपी था सबका, जो मैंने जिसमें टेस्ट लिया था टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर मैं सबसे मार्क्स पूछा। मैंने कहा रामलाल चलो खड़ा हो जाओ, तो रामलाल सर खड़ा हो गया। सर क्या हुआ सर? तो बताओ भाई रामलाल कितना मार्क्स आया, मैं पूछ रहा हूँ उससे। तो रामलाल कहता है सर झुका के, सर मेरे को 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद मैंने राम भरोस को खड़ा किया, राम भरोस खड़ा हो जाओ। तो राम भरोस खड़ा हो गया, तो मैंने पूछा कितना मार्क्स आया, वो बोला सर 40 मार्क्स आए। मैंने कहा ठीक है खड़े रहो। फिर मैंने राम सक्कल को उठाया, ए राम सक्कल कितना मार्क्स आया, तो वो बोला सर मेरे को 60 मार्क्स आए। फिर मैंने पिंकी को खड़ा किया, पिंकी कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, तो हम बोले खड़े रहो भाई। उसके बाद मैंने टिल्लू को खड़ा किया, टिल्लू तू खड़ा हो जा कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तो टिल्लू बोला सर मेरे को 100 में 100 आ गया, एकदम खुश होकर। हम कहे चलो बढ़िया है। फिर मैं राम सक्कल को एकदम डांट लगाते हुए कहूँगा, रामलाल को डांट लगाते हुए कहूँगा, क्या रामलाल तुम्हारे जो मार्क्स हैं यानी तुमसे जो है रामलाल तुम्हारा जो मार्क्स है ना वो टिल्लू से 5 गुना कम है। क्या है तुम्हारा जो मार्क्स है टिल्लू से 5 गुना कम है, या ऐसे बोल सकता हूँ कि टिल्लू का मार्क्स तुमसे 5 गुना ज़्यादा है। फिर पिंकी से कंपेरिजन, सबसे जितना भी क्लास में स्टूडेंट था ना सबसे कंपेरिजन हम किससे करेंगे, सबका कंपेरिजन हम रामलाल से करेंगे। क्या रामलाल से कंपेरिजन करेंगे, क्यों? क्योंकि एक दिन हमको रामलाल से थोड़ा बोला बोली हो गया था। ठीक है, इससे समझ सकते, इसीलिए इसका हम बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, रामलाल को 20 मार्क्स आए, तो क्लास में जितने सारे स्टूडेंट थे सारे का जो तुलना है, सारे स्टूडेंट का तुलना हम इसके मार्क्स से कर रहे हैं। तो पहले हम टिल्लू को खड़ा किए, बोले कितना मार्क्स आए 100, तो हम रामलाल को डांट लगाते कहें देखो तुम्हारे से जो है ना 5 गुना ज़्यादा मार्क्स आए टिल्लू को। फिर मैंने इससे इसको खड़ा किया राम भरोस को, तो मैं बोलूँगा राम भरोस तू खड़ा हो जा भाई, तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो सर बोलेगा 40। मैं कहूँगा देख ले भाई देख ले, तुमसे भी कमज़ोर था राम भरोस, और राम भरोस तुमसे भी कमज़ोर था लेकिन तुमसे 2 गुना मार्क्स लाया है, तुमसे 2 गुना मार्क्स लाया है, यानी राम भरोस का भी तुलना हम रामलाल के मार्क्स से कर रहे हैं। फिर अगला, अभी ये सब क्यों बता रहे हैं टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत बड़ा बात समझा देंगे, हंसाते। फिर राम सक्कल को खड़ा करेंगे, ए भाई राम सक्कल तू खड़ा हो जा, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, वो बोलेगा सर मेरे को 60 मार्क्स आए। ठीक है, मैं कहूँगा देख भाई देख, तुम्हारे से भी राम सक्कल कमज़ोर था लेकिन इस टेस्ट में वो 60 मार्क्स लाया है, यानी तुम्हारे मार्क्स से 3 गुना ज़्यादा मार्क्स आया है इसका, यानी राम सक्कल का भी तुलना रामलाल से ही कर रहा हूँ मैं। आगे देखो, फिर मैं पिंकी को खड़ा करूँगा, पिंकी भाई तू खड़ी हो जा, तो पिंकी बोलेगी सर मेरे को तो 80 मार्क्स आए। मैं कहूँगा रामलाल तू देख ले, तुम्हारे से भी 4 गुना मार्क्स लाई है ये, तू यार पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, यानी पिंकी का भी तुलना रामलाल के मार्क्स से कर रहे हैं। बस ये समझाने का मेरा ये मतलब था कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक एनसीईआरटी के हिसाब से 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, तो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, जितने भी 118 एलिमेंट हैं, वो सारे का जो मास है, वो सारे एटम्स का 118 एलिमेंट्स का जो मास है उसका तुलना हम लोग किससे करेंगे, 1 AMU से ही करेंगे। किससे करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स का तुलना, जो सारे एलिमेंट्स का जो मास है उसका तुलना हम 1 AMU से करते हैं। यही हमारा क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है, वही इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। यानी कहने का क्या मतलब, मैं कहूँगा चल रामलाल तू खड़ा हो जा, रामलाल खड़ा हो गया, मैं कहूँगा तुम बताओ रामलाल और राम भरोस के बीच का रिलेटिव मास, रिलेटिव नंबर कितना है, यानी रामलाल का 20 नंबर आया, राम भरोस को 40 नंबर आया, तो राम भरोस का रिलेटिव मास कितना है, यानी रिलेटिव नंबर कितना है, 20 को 40 बार में कितने बार में आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी 2 गुना ज़्यादा है राम भरोस का मार्क्स। फिर हम राम भरोस
फिर हम ये रामलाल का तुलना किससे कर देंगे, इससे राम सक्कल से करेंगे, तो रामलाल का मार्क्स 20 है और राम सक्कल का 60 है, तो 3 गुना ज़्यादा मार्क्स है। फिर रामलाल का तुलना हम पिंकी से करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा है। तो देख रहे हो, यही है हमारा रिलेटिव मास, यही क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तो नंबर की बात हो रही है तो रिलेटिव नंबर है, लेकिन हम बात करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी यही होता है कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे का तुलना अगर 1 AMU के मास से हम कर दें, जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का तुलना 1 AMU के मास से कर दे तो वो हमारा उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, अभी हम रामलाल राम भरोस सबको मिटाते हैं और रियल फैक्ट आपको बताते हैं, रियल में मज़ा दिलवाते हैं। ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर जितने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट के मास का तुलना मार्क्स का कंपेरिजन 1 AMU से कर दे तो उस एटम का वही क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। अभी बताता हूँ और अच्छे तरीके से। सपोज अगर आपको मैं बोला कि चलो भाई हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो हाइड्रोजन का ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो मैं क्या कहूँगा, इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला लगाना पड़ेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन या वन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, एब्सोल्यूट मास क्या है हाइड्रोजन का, वन है तो मैं लिखूंगा 1 divided by 1 AMU, 1 AMU, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका ये एब्सोल्यूट मास को ग्राम में लिखते हैं, इसको भी ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, 1 AMU से AMU कट जाता है, क्योंकि अगर बात करें 1 AMU की वैल्यू भी कितनी होती है, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम ही होती है ना, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये 1 AMU है, तो हमारी जो वैल्यू आती है ये पूरे कटने के बाद क्या आती है, 1 आती है। तो हम लोग इस पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 atom of हाइड्रोजन इज 1 times हैवियर देन दैट ऑफ 1 AMU। 1 AMU के मास से क्या भाई, 1 AMU के मास से हाइड्रोजन का मास जो है 1 गुना ज़्यादा है, यानी 1 times ज़्यादा है। 1 times क्या, दोनों बराबर ही है, आपको बताया था ना, 1 times क्या, 1 times थोड़ी होता है हाइड्रोजन का मास, ऐसे इसीलिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 hydrogen atom इज इक्वल टू 1 AMU, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली हम अगर हीलियम का ले लें, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 4-2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर RAM निकालना पड़ेगा, RAM ऑफ 1 atom of हीलियम आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, आपको एब्सोल्यूट मास, सबसे पहले एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 atom ऑफ हीलियम, हीलियम का एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 4 ग्राम, कितना होता है 4 ग्राम, तो लिखना पड़ेगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU, 1 AMU की वैल्यू भी ग्राम में आती है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो वैल्यू आपकी मिलेगी 4, तो मैं यहाँ पर एक बात क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर हेयर मास ऑफ 1 atom of हीलियम इज 4 times हैवियर, 4 times हैवियर देन डेट ऑफ 1 AMU से हीलियम का जो मास होता है, हीलियम के एक एटम का मास 4 गुना ज़्यादा होता है, कितना, 4 गुना ज़्यादा होता है। 1 AMU बराबर मास ऑफ 1 proton, यानी 1 proton के मास से हीलियम का जो एटम का वजन होता है वो 4 गुना ज़्यादा होता है बच्चों, 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, बातें समझ में आ गई, इतना बात नोट करो, फिर मिटाते हैं, 1-2 और लेते हैं फिर समझाते हैं, नोट करो, चलो नोट कर लिए, फिर 1-2 बात और बताते हैं, 1-2 और एटम ले लेते हैं,
मजा आ रहा होगा क्लास में? भाई अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को ही बताएं कि फ्री में यूट्यूब पर बढ़िया सा क्लास चल रहा है क्लास 11th का, और स्पेशली नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ किसका कार्बन का। कार्बन का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन 12, 6, तो कैसे इसका RAM निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एब्सोल्यूट मास निकालना पड़ेगा। एक एटम का कार्बन का एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास बोले तो भाई खुद का मास, उस एटम के खुद का मास कितना होता है, 12 ग्राम ही तो होता है कार्बन का। कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम कार्बन के यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये कार्बन का जो एक एटम है ना उसका ग्राम, उसका जो एब्सोल्यूट मास है वो 12 ही होगा, 12 ग्राम, ठीक है, एक एटम की बात नहीं, ठीक है। तो 12 एंड डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें तो 1 AMU से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, 1 और ये भी ग्राम में ही आ जाता है, ये कट ही जाएगा, तो वैल्यू क्या देगी हमारी 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर 1 atom of कार्बन इज 12 टाइम्स, क्या 12 टाइम्स हैवियर देन डेट ऑफ 1 AMU। यहाँ कार्बन का जो एक एटम का वजन है वो क्या है, 12 गुना ज़्यादा है 1 AMU से, 12 गुना ज़्यादा है 1 AMU से। तो भाई यही तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास निकल रहा है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, यही तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, यही तो रिलेटिव एटॉमिक मास है बच्चों, समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा बात लिख लिया है, चलो मिटा दूँ, तो एक छोटा सा बात कर लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, एक बार क्वेश्चन फंसा था नीट में, तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ कि रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं या होता कितना है, रिलेटिव मास ऑफ अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो कैसे आप निकालोगे। भाई वही है, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, वो होता है 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU से ना हम कंपेरिजन करेंगे, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 × 10⁻²⁴। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पूरा अगर कटेगा ना तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये इसको अगर आप पूरा कट करोगे तो वैल्यू आएगी 1/1837। तो हम क्या लिखेंगे कि रिलेटिव, या डायरेक्ट लिखूंगा, मास ऑफ वन एमयू इज 1/1837 टाइम्स ग्रेटर देन डेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से देखो भाई, 1 AMU का मास यहाँ पर भारी पड़ गया इलेक्ट्रॉन पे, यानी 1 AMU का मास बोले तो देखो 1 AMU का मास किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन के जो होता कितना है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है ना बच्चों, बताओ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 1 AMU का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पर 1837 लिख दो आप, 1837 टाइम्स ग्रेटर, अगर इलेक्ट्रॉन का करोगे तो 1/1 लगाना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है, ये हम 1 AMU का मास जो है कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है अंतर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी को, मास ऑफ 1 AMU और 1 प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन या वन एएमयू के 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास से जो वन एएमयू का मास होता है वो 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से या वन एएमयू से 1/1837 टाइम्स कम होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, चलिए आप पानी पिला दीजिए, तुम्हें को नीचे से जाइएगा। ठीक है बच्चों, लिख लो, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, इसी गिलास में लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा दूँ। अब बात करूँगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, अब मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करूँगा। ठीक है बच्चों, क्लास में आनंद आ रहा है? अरे आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा दिलवा के पढ़ाऊँगा, ऐसा मज़ा आ जाएगा ना इस चैप्टर में, इतना फील दिलवा दूँगा कि फिर चाहे जेई में सवाल आए चाहे नीट में सवाल आए, सारे को ठोक के आने वाले हो। ठीक है, सारे को ठोक के आने वाले हो। जैसे अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसको RMM से भी दिखाते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसके लिए निकालते हैं, वन मॉलिक्यूल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, और इसका जो है इन ग्राम में ये नहीं आएगा भाई, ये याद रखना। ठीक है, थैंक यू, जाइए। ओके, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझ में आया, एक मॉलिक्यूल का हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, जाइए बार बार आप मत उठिए, ठीक है आप वही बैठिए। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वन एएमयू, बस यही फॉर्मूला है। उस समय एटम था, अब मॉलिक्यूल लगा दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ना होना चाहिए भाइयों, एकदम सिंपल और सरल रूप में आपको बताता हूँ। पिछला में एटम था और इसमें मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल लगा दो। जैसे आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए कह दे SO2 का निकालिए आप, SO2 मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो भाई पहले इसके लिए एब्सोल्यूट मास निकालना पड़ेगा। SO2 का एब्सोल्यूट मास कैसे निकालोगे, सल्फर का 32 होता है प्लस 16 × 2, दैट इज इधर भी 32, दैट इज 64 ग्राम हो गया। ठीक है, ये वैल्यू तो ग्राम में आती है, एब्सोल्यूट मास ग्राम में आता है। तो अगर आप इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 फाइंड करना चाहते हैं, तो एब्सोल्यूट मास वन मॉलिक्यूल्स सल्फर का, वन मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, 64 ग्राम होगा, तो मैं लिखूंगा 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU को 1 ही लिख दूंगा, क्योंकि वैल्यू तो 1.67 होती है 1, और AMU की वैल्यू देखो भाई मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, और ये वैल्यू कटने के बाद 64 आती है, कितनी आती है 64 आती है। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, हेयर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज 64 टाइम्स हैवियर, 64 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ 1 AMU। एग्री करते हो इस बात से, करते हो एग्री, बताओ भाई। SO2 का जो मास है, SO2 का जो एक मॉलिक्यूल का मास है वो 1 AMU से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 64 टाइम्स ज़्यादा है। सिमिलरली
जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी का करवा देता हूँ। SO2 था, जैसे मैं इसका करवा दूँ, जैसे H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो भाई सबसे पहले इसका आप क्या निकाल लो, एब्सोल्यूट मास निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4, ये मैं करवा चुका हूँ बच्चों। जो पहला ये पहले दिन मेरे से जुड़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नहीं तो आई बटन पर भी मिलेगा और नहीं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2023-24, इस तरह का प्लेलिस्ट होगा जिसमें हम मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। और 64 इधर हो गया, 98, 64 इधर, 32 और 2, 98 ग्राम, ठीक है। मेरे को तो सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास तो याद ही है तो मैं लगा दिया। और देखो कैसे निकालोगे, रिलेटिव मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन MOLECUL मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या करोगे, एब्सोल्यूट मास कितना है इसका सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, वो 98 है डिवाइडेड बाय 1 AMU, ये भी ग्राम, और 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 24 ग्राम, दैट इज ये वैल्यू कट के आपको दे रही है कितनी, 98। तो देखिए तो नीचे दिख रहा है, इसके नीचे लिखूंगा दिखेगा, देखता हूँ, ठीक है। हेयर मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर दिख रहा है, हेयर, अच्छा ठीक है, हेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ हेयर, वन मॉलिक्यूल ऑफ, या मास लिखूंगा ना, हेयर मास ऑफ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 98 times ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 AMU। 1 AMU के मास से हमारा जो H2SO4 का मास है वो 98 टाइम्स ज़्यादा है 98 टाइम्स ज़्यादा है, समझ में आया। तो यही है हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली आप आयंस का करना चाहते हो तो आयंस का भी मैं बता देता हूँ, रिलेटिव आयोनिक मास उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव आयोनिक मास, इसको रिलेटिव आयोनिक मास को RIM से मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिलेटिव आयोनिक मास को RIM से दिखाते हैं, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट मास निकालना पड़ेगा आयंस का, एब्सोल्यूट मास ऑफ आयंस, आयंस और डिवाइडेड बाय 1 AMU, इस तरह से आप आयंस का भी कर सकते हो, ठीक है। बस सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका, मैं Na प्लस का करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इधर मिटा दूँ यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमें Na प्लस का बोलूँगा, इसका एब्सोल्यूट मास निकालो, कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट आयोनिक मास निकालो, तो RIM ऑफ Na प्लस कैसे निकालोगे, Na प्लस के लिए भी तो कितना होता है इसका एब्सोल्यूट मास, 23 ग्राम ही होता है, तो 23 डिवाइडेड बाय 1 AMU, ठीक है, तो ये भी ग्राम में आती है, तो मैं लिखूंगा 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 24 ग्राम, ये भी ग्राम, और ये कटने के बाद वैल्यू देती है हमारी कितना, यानी इसके लिए RIM ऑफ Na प्लस कितना आता है, वो आता है 23। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यानी 1 AMU से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 1 AMU से मास किसका ज़्यादा है, 23 का, और कितना टाइम्स, 23 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव आयोनिक मास भी निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों को आप नोट कर ले, अब हम आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, देखो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, अच्छा यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को ना एक और तरीके से लिखते हैं AAM, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा अगर हम AAM, अच्छा एक और पता है, ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हमेशा ग्राम में निकालना पड़ता है, किसमें, यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं AAM को, अगर किसी भी एक एटम के लिए AAM निकालना है तो हमेशा
इन ग्राम में होगा, हमको ग्राम में निकालना पड़ेगा, ग्राम में इसकी वैल्यू होती है। और निकालते कैसे हैं, अगर ए ए एम दिया हो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एम को क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप कहोगे सर क्या एक एक बात बोल रहे हो, एक ही बात को बार बार बोल रहे हो, अरे भाई बात है तभी तो बोल रहा हूँ। इसको अगर 1 AMU से डिवाइड, 1 AMU से गुना कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, आप मेरे को बताओ, नहीं होगा ना। अब आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 AMU ये किसके इक्वल होता था, रिलेटिव एटॉमिक मास के, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होता था, यानी ये पूरे के बदला, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बदला, ये इसकी वैल्यू में आर ए एम लिख सकता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास लिख सकता हूँ, अभी पीछे पढ़ाया, और इनटू में यहाँ पर 1 AMU दिया हुआ है तो मैं 1 AMU लिख लूँगा। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला, क्या हो गया, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के लिए यही फॉर्मूला है। बच्चों समझ में आ गया, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं, इसका एब्सोल्यूट मास क्या होगा, देखो इसके लिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन के लिए, 1 होता है, 1 इंटू में 1 AMU, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी 1 AMU हुई होगी, और इसको हम 1 × 1.67 × 10^24 ग्राम भी लिख सकते हैं। सिंपल, जैसे हीलियम की बात करें तो 2 तो नीचे होगा ना और 4 ऊपर होगा, तो मैं इसको लिखूंगा, इसका अगर AAM निकालना है, क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है, तो इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम के लिए क्या होगा, 4 होगा, तो लिखूंगा 4 और इनटू में 1 AMU इज इक्वल टू 4 AMU, और इसी को हम लिख सकते हैं 4 × 1.67 × 10^-24 ग्राम। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन पर जाएंगे तो कैसे लिखेंगे नाइट्रोजन को, ऊपर में 40 नीचे में 7, कैसे होगा इसका, अगर AAM आपको निकालना है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो हम कितना लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है, तो 14 × 1 AMU, तो क्या लिखूंगा मैं, 14 AMU। बच्चों ये टाइम पास नहीं है, आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के भूल जाओगे, बार बार लिखने से याद हो जाता है। 14 × 1 AMU दैट इज 1.67 × 10^-24, 1 AMU की वैल्यू यही होती है, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप। एक और कर लेता हूँ, जैसे किसका कर लूँ, सोडियम का कर लूँ, सोडियम का 23 नीचे में 11, इसका अगर आपको AAM एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकलना है तो क्या हो जाएगा इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, 23 होगा, इनटू में 1 AMU दैट इज इसकी वैल्यू आती है 23 AMU, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 23 × 1.67 × 10^24 ग्राम, ठीक है। बस यही हमारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, यही है हमारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, आप यहीं तक भी लिख रहे हो तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी वैल्यू ग्राम में आती है, या AMU लिख दो या ग्राम लिख लो, बात वही है, ठीक है, समझ में आया, देखो यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फिर हम एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है, इसमें बात करेंगे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की, नोट कर लो, चलो नोट कर लिए हैं। अब एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की। वीडियो को चालू किए थे कि नहीं, वीडियो चालू है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो बंद रहे और फिर हम यहाँ बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास को हम लोग AMM से भी दिखाते हैं, जिस तरह से मैंने एटम के लिए किया था उस तरह से मॉलिक्यूल्स के भी लिए भी करना होगा। ये देखो, अगर हम AM को AAM एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट यानी AM को हम एब्सोल्यूट
एटॉमिक मास ने एमएम लिखना था ना मेरे को, ठीक है। एब्सोल्यूट एएम को एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंपल इसको 1 AMU से डिवाइड और 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा? 1 AMU से 1 AMU कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बस वही बात है, AAM बराबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 AMU किसके इक्वल होता था, RMM के इक्वल होता था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और इनटू में 1 AMU, यही हमारा फॉर्मूला हो गया एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास निकालने का किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। कैसे निकालेंगे, आओ निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं उसी का SO2 का, हमारा पहचान हो गया है SO2 का, बार बार मैं कर रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके लिए कैसे निकालेंगे, जैसे इसके लिए अगर आपको AAM निकालना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, अरे भाई एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास निकालना, बार बार गलती कर देता, वेरी सॉरी। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा SO2 के लिए, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसके लिए SO2 के लिए क्या होता है, 32 इधर हो गया प्लस 16 × 2 दैट इज 64 ग्राम। ब्रैम नहीं लगेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, अगर आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो ग्राम नहीं लगाना है, इसमें ग्राम लगेगा AM में, एब्सोल्यूट मास में ग्राम लगेगा, रिलेटिव में नहीं लगेगा। तो मैं डायरेक्ट 64 लिखूंगा और इनटू 1 AMU, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 64 AMU, इसी को हम लोग 64 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम लिखेंगे, क्योंकि 1 AMU की वैल्यू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होती है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए किसका करने के लिए, अगर आपको कहा जाए HNO3 का करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे आप। इसके लिए आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा HNO3 का, 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस हो जाएगा प्लस 16 × 3 कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48 हो जाएगा, 48 और 10 हो जाएगा 58 और 4 63 और प्लस में एक 63 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए अगर आपको AAM निकालना पड़ेगा, AAM नहीं AMM, बार बार गलती हो जाता है, एक तरह से दिखता है ना इसीलिए मिस्टेक होता है, तो क्या होगा RMM कितना है 63 ग्राम, नहीं भाई ग्राम नहीं, क्योंकि ग्राम नहीं लगाना है ना, क्योंकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फंड में ग्राम नहीं, 63 × 1 AMU दैट इज 63 AMU और यहां से वैल्यू आएगी 63 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। सिंपल, इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं, उसी तरह से एब्सोल्यूट आयोनिक मास भी निकालते हैं, इसी तरह से हम लोग नीचे लिख देता हूं, इसी तरह से हम लोग एब्सोल्यूट आयोनिक मास भी निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसी तरह से एब्सोल्यूट आयोनिक मास भी निकाला जाता है। आप कर लेना, सिंपल है, एकदम इसी से मिलता जुलता, एकदम सेम है, जिस तरह से इसका किया उसी तरह से उसका भी होगा, आयोनिक वाला भी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं, अगर 1 AMU की डेफिनेशन को अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लो आप, चलिए नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दें। अगर भाई साहब अब हम 1 AMU के डेफिनेशन को ही चेंज कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, क्या आएगा, बताता हूँ। चलो दोस्तों, अगर हम लिखेंगे 1 AMU की डेफिनेशन को चेंज करेंगे, इफ वी विल चेंज फॉर द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, 1 AMU के डेफिनेशन को ही चेंज कर देंगे तो क्या होगा, अरे भाई भूचाल आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा। अच्छा, 1 AMU बराबर क्या होता था, याद करो, पहले मैं साइड में लिख देता हूं, 1 AMU को हम कैसे करते थे, 1/12 / NA ऐसे लिखते थे जब चेंज वेंज नहीं करते थे, तो यहाँ जो है एक कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा लेना पड़ता था, लेकिन अब 1 AMU के डेफिनेशन को ही चेंज कर देंगे तब तो यहाँ 12वां हिस्सा होगा कि 13वां हिस्सा होगा कि 10वां हिस्सा होगा कि 9वां हिस्सा होगा, ये तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा वैल्यू,
तो भाई वही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1/12 नहीं 1/x हो जाएगा इंटू 12/NA हो जाएगा। क्या? क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना कि कार्बन का कितना हिस्सा हम ले रहे हैं, यानी एक कार्बन के एटम का कितना भाग का हम लोग मास ले रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमने 1 AMU के डेफिनेशन को ही पूरा निस्तनाबूत कर दिया, ख़त्म कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ 1/x इंटू 12/NA, ठीक है। अगर मान के चलो जब भी हम लोग कुछ चेंज वेंज नहीं किए थे, 1 AMU के डेफिनेशन को वैसे ही रखे थे, तो हमारा जो ए आ रहा था, ठीक है, वो कैसे आ रहा था? मास ऑफ या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU आता था, 1 AMU, और 1 AMU के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 AMU के इक्वल ही तो है, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे इसके लिए। ये तो जब चेंज कर दिए थे 1 AMU के डेफिनेशन को तब था, लेकिन ये 1 AMU के इक्वल नहीं होगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर एक्स मैंने देखा नहीं। 1 AMU का इक्वल क्या होगा? 1/12 इंटू 12/NA इक्वल होगा, होगा ना? तो मैं ये लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 AMU के बदले में मैं ये लिख दूंगा 1/12, मैं इस मार्कर से लिखता हूँ 1/12 इंटू 12/NA, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन, जब AMU के डेफिनेशन को चेंज कर देंगे तो नया जो आएगा मास वो क्या आएगा? ADAS, तो हम लिखते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU के डेफिनेशन को चेंज कर दिए, तो वैल्यू मेरे को नीचे ये रखनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा 1/x इंटू 12/NA, इस दोनों को डिवाइड दे दो, क्या कर दो? इस दोनों को डिवाइड दे दो, इस दोनों को क्या करना है? इस दोनों को डिवाइड देना है, तो क्या वैल्यू आ रही है देखो आप, ठीक है। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटिव एटॉमिक मास कटा, ठीक है, 12/NA से 12/NA कटा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर A' / A इजकल टू क्या वैल्यू आ रही? 1/12 डिवाइडेड बाय 1/x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A' / A इजकल टू x बाय कितना आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा और ये इसमें घुस जाएगा, तो x/12 है ना, x/12, तो यहाँ से A' बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? A इंटू x/12, यही फार्मूला आपको याद रखना है भाई, फार्मूला तो आपको यही वाली याद रखनी है। अगर ये आप नहीं भी करते हो, अब क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी करोगे, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, और इससे जो है ना सवाल एक बार नीट में आ चुका है। ओ भैया, A' इजकल टू A' अगर, यानी नया आपको कैलकुलेट करना है, नया वाला अगर कैलकुलेट करना है तो पिछला वाला क्या होगा वो, और इंटू x/12, यानी कितना मतलब एक एटम का कितना भाग लिया जा रहा है वो x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अब आपको करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए मिटा देता हूँ। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, चलिए लिख लिए होंगे आई होप, चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फाइंड न्यू RAM ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन है फाइंड न्यू RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, नया रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर रहा है? नया रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है ऑक्सीजन का, इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, वन बाय 16 थी, है ना, क्या है भाई, 48 ऑफ एन एटम, किसी एक एटम का 1/48 भाग अगर 1 AMU को डिफाइन करता है, यानी यहां पर क्या लिख दिया, 1 AMU इजकल टू 1/18 ऑफ वन एटम, यानी एक एटम का 1/48 टाइम्स ले लिया है, वहां तो
वन एएमयू को रियल में कैसे डिफाइन कर रहा था, एक कार्बन के एटम का 1/12 हिस्सा, लेकिन यहाँ पर 1/48 हिस्सा ले लिया, ओ भैया, और एक्स यही हो गया, यानी यहाँ पर वैल्यू है 1/x = 1/48 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप x निकालो, x = 48 हो जाएगा, ये वैल्यू x पे डालो। फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है नया, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है ऑक्सीजन का, a = a (x/12) था ना, 12, ठीक है, तो a = इससे पिछला वाला कितना होता था, a की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए कितना होता था, ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता था ना, 16 होता था, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, अरे भैया ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, 16 लिखते हैं ना, तो यही तो है रिलेटिव एटॉमिक मास, 16 × x, x की वैल्यू अभी हम कितना कैलकुलेट किए हैं, 48, तो 48/12 ये 4 टाइम्स कट करेगा, तो a डैश की जो वैल्यू आएगी वो 16 × 4, दैट इज a = कितनी, 64 भाई, 64 एडस, नया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, 64 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन दे, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसके लिए दे रहा है, एक मिनट ले देख लेते हैं, अच्छा एक है इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, इसको मिटा दे, हाथ से मिटेगा नहीं मिटेगा, चलो चलो चलो, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन नीट में फंस जाता है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में फंस जाता है भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड न्यू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड न्यू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड करने के लिए कह रहा है ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, कितना कह रहा है, कितना बट्टा कह रहा है, 1/6 ऑफ एन एटम, एक एटम का 1/6 पार्ट 1 AMU को डिफाइन कर रहा है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है 1 मॉलिक्यूल CO2 का, चलो भाई आराम से निकालेंगे, तो इसके लिए x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, 1/x = क्या दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, ठीक है। फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला होता है हमारा a = a (x/12) कार्बन डाइऑक्साइड का पहला वाला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या, तो ठीक है भाइयों फिर से लाइट कट गई थी, क्या करें भाई लाइट का इतना दिक्कत है मैं बता नहीं सकता, तो a = क्या हो जाएगा, a इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए a क्या होती है, यानी रिलेटिव एटॉमिक ये एटम थोड़ी है, ये मॉलिक्यूल है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसके लिए क्या हो जाएगी, एक कार्बन के लिए 12 16 × 2 डैट इज 44 ना, यही ना होगा, हाँ 44 ग्राम नहीं, क्योंकि अभी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में ग्राम नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 44 × x का वैल्यू हम लोग 6 फाइंड किए, तो 6/12 तो 1/2 और यहाँ ये कटेगा 22 टाइम्स, तो a डैश यानी नया जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है CO2 का नया वो हो जाएगा 22, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। इस तरह से सवाल आ जाते हैं, क्या इस तरह से सवाल आ जाते हैं, समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से सवाल आ जाते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड न्यू RMM ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2, मान लो SO2, ठीक है, इफ 1 AMU ऑफ या 1 AMU इज SO2 मानोगे या CO मान लो, हाँ 1 AMU इज डिफाइंड एज क्या कर लो आप, 1/12 कर लो, नहीं 1/12 करोगे तो डिफाइन करेगा ही, 1/14 कर लो, 1/14 ऑफ एन एटम, ठीक है, अब आसान है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 1/x = क्या दिया हुआ है, 1/x = दिया हुआ है 1/14, तो x की वैल्यू यहाँ से 14 हो जाएगी, तो हमारे लिए फार्मूला क्या होता है,
ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बाई ट्वेल्व, दैट इज हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए डैश इज इक्वल टू ए, पहली वाली ए किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 12 प्लस 16 दैट इज कितना हो गया, 6 दो 8 और ये दो 28 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 28 इंटू एक्स की वैल्यू 14 आई है, दैट इज डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से कट करो 7, 6, 6 से इसको कट करो 3 टाइम्स, 14 टाइम्स, दैट इज यहाँ पर क्या ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, और तो नहीं कटेगा, 14 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 14 को 7 से 728, हाथ में एक हाथ में दो, और 7 2 7 1 7 9 98, ठीक है 98/3, ये आ गया हमारा ए डैश की वैल्यू। अब यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, मिस्टेक भी है देख लेता हूँ, 7 1 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, अगर 1 AMU की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई तो यहाँ से आप वैल्यू, नया जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, नया जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो फाइंड कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था, बहुत ईजी था, ठीक है नोट कर लो भाइयों, नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने ये सारा बात लिख लिए होंगे, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो कहाँ पर नहीं आया समझ, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लो आप हमसे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।